अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े से कुछ रेडी होने वाली ब्रेड के बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ ईद स्पेशल में ब्रेड के बड़े। तो इसके लिए मैंने इन्ग्रीडियंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो एक हम नोट कर लेते हैं। मैंने लिए हैं 6 स्लाइस ब्रेड के, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 अनार जो मैंने निकाल के उसके दाने निकाल दिए हैं, और यहाँ पर टैमरिंड सॉस मैं यूज़ करूँगी, और चॉप चिली जो है मैंने 2 ग्रीन यूज़ किए, और 1 टेबल स्पून जो है मिंट लीव्स मैंने चॉप किए हुए हैं, 2 टेबल स्पून मैंने शुगर लिए, यहाँ पर 1 बाउल जो है वो मैंने योगर्ट लिया। इधर मिक्सिंग बाउल है, तब भी हम रेसिपी को बनाना शुरू। इधर मैंने सबसे पहले स्टफिंग रेडी करनी है। तो यहाँ पे अनार के दीवाने मैंने निकाल लिए हैं, 1 अनार लिया। तो इसमें हम डाल देते हैं चाट मसाला और जो क्यूमिन सीड्स हैं वो मैंने 1 टीस्पून लिया वो डाल देते हैं, और इसमें डालेंगे ग्रीन चॉप चिली और मिंट लीव्स। अब हम इनको नाइसली मिक्सअप कर लेते हैं। तो ये जो हमारे स्टफिंग है वो रेडी है। अभी यहाँ मैंने एक बाउल लिया, इसमें मैं डालूंगी योगर्ट जो कि मैंने 1 बाउल लिया, इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून शुगर, इसको मैं बीट कर लेती हूँ ताकि जो मैं इसकी मिक्सअप हो जाए। इसको अच्छी तरह से बीट कर लिए ताकि शुगर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है वो चाट मसाला। तो इसको अब हम एक साइड पे करते हैं और अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, और इसको अब हम जो साइड के इसके क्रस्ट होते हैं वो काट लेते हैं जो इसके किनारे हैं। इसको चारों साइड से क्लियर ऑफ कर देते हैं। अब इसके जो हम चारों साइड से क्लियर ऑफ कर देते हैं, और जो जो हमारे ये देखें जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस, इनको हम ब्रेड क्रम बनाने के लिए यूज़ करेंगे, इनको वेस्ट नहीं करेंगे। इनको मैं जिप्लॉक बंद करके रख देती हूँ फ्रिज में, और अभी हम रेसिपी को बनाना शुरू कर दें। मैंने 1 स्लाइस लिया, इसको हम रोलिंग पिन के साथ थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं ताकि जब हम इसको शेप दें तो ये इजी रहेगा। ये देखिए यहाँ मैंने ब्रेड का बिल्कुल फ्लैट कर लिया हुआ। अब जो इसकी स्टफिंग हमने अनार की रेडी की है, तो वो हम 1 टेबल स्पून इसमें फिल करेंगे, और यहाँ पे हम किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा पानी बिल्कुल यहाँ पे हाथ वेट कर लें ताकि हम जब इसको शेप दें तो ये इजी रहे बनाने में। तो बिल्कुल ऐसे आपने पकड़ना और बिल्कुल ऐसे इसको शेप दे देनी है। तो ये देखें थोड़ा सा इसको आप हाथ के साथ दें, ये देखें बिल्कुल इसका नाइस बड़ा रेडी, और ये चारों साइड से बंद भी हो गया वो। तो इस तरह से बाकी ब्रेड के बड़े मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप सर्विंग बाउल ले लिया, यहाँ मेरे ब्रेड के बड़े रेडी हैं, और यहाँ पे योगर्ट भी रेडी है। तो अभी हम इसको सर्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑलरेडी मिक्स कर लिया हुआ चाट मसाला शुगर, तो इसमें मैं बड़े सर्व कर लेती हूँ। तो
ये नारकिस मंडी पोचन है, इसके ऊपर से जो बाकी योगर्ट बचे ये हम डाल देंगे। अब मैं इस पे करूंगी गार्निश टैमरिंड सॉस की और साथ में चाट मसाले की। ये देखें इसको मैंने गार्निश कर लिया है टैमरिंड सॉस से, चाट मसाले से। बहुत ही मज़े के दही बने हैं, ब्रेड के बड़े। आप भी प्लीज़ इस स्पेशल में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, ध्यान में याद रखिएगा। अल्लाह।